सांसद मेनका संजय गांधी ने आज सुल्तानपुर दौरे के अंतिम दिन पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में 174 लाभार्थियों को पीएम मुद्रा योजना के तहत 8,70,00,000 रूपये का ऋण वितरित किया। इस अवसर पर उन्होंने 51 दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल का भी वितरण किया। श्रीमती गांधी ने धम्मौर बाजार में 81,00,000 रूपये की लागत से नवनिर्मित उप डाकघर का लोकार्पण किया। इस अत्याधुनिक डाकघर से नागरिकों को आधार कार्ड, स्पीड पोस्ट, बचत खाता संबंधी कई बचत योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। लोकार्पण के अवसर पर मेनका गांधी ने सुकन्या समृद्धि योजना के 5 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीएम मुद्रा योजना से बड़ी संख्या में युवा आत्मनिर्भर हो रहे हैं, क्योंकि जब मैं आई थी तो शून्य पर हम खड़े थे और फिर पहले 6 महीने में हम खाली 12,000 दे पाए। तो अब हम बहुत खुश हूँ कि इतने चुस्ती से लोगों के हम लोगों ने फायदा किया है। हम दिव्यांगों को मोटरसाइकिल जो भी हम मदद के लिए दे सकते हैं हम देते हैं। 4 साल से कोशिश कर रहे हैं और आखिर में ये बन गया है और मैं बहुत आभारी हूँ सरकार की कि उन्होंने हमें इतना सुंदर डाकघर दिया जिसमें दुनिया भर के स्कीम्स हैं। ये बहुत फायदेमंद होगा।